तो एक तरफ जहां चुनाव होने हैं वह यूपी समेत देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार संक्रमण की रफ्तार दूसरी लहर के मुकाबले काफी तेज बताई जा रही है। यूपी में ही एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मरीज मिल गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों की भी बात कर लें तो प्रदेश में 3121 कोविड के केस मिले हैं। पिछले 10 दिन में 392 से रोजाना मरीजों की संख्या अब 3121 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा कहर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में नजर आ रहा है। अब ताजा आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए तो नोएडा में कल सबसे ज्यादा 609 केस सामने आए हैं। वहीं लखनऊ भी पीछे नहीं है, लखनऊ में 408 नए मामले सामने आए, मेरठ में 401 और गाजियाबाद में 382 नए मरीज रजिस्टर्ड किए गए हैं। यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ की माने तो इस बार तेजी से केस बढ़ रहे हैं, हालांकि पहले से काफी पुख्ता तैयारी है। हालांकि उन्होंने सावधानी बरतने की भी बात कही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में अब जो आंकड़ा है वो 1000 को पार भी कर चुका है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो कोरोना की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू को लेकर हो या स्कूलों की बंदी को लेकर, वो भी प्रभावी हो गई हैं। हमारे साथ में इस समय डीजी हेल्थ डॉक्टर वेद ब्रज जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केसेस डे बाई डे लगातार बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर है उसके मुकाबले जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा दिख रही है। आप सही कह रहे हैं, सेकेंड लहर के मुकाबले ये जो हमारी तृतीय लहर है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से केस बढ़े हैं। प्रथम सप्ताह जो दिसंबर का था केसेस कम थे, लेकिन दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने जैसे सेकंड वेव में था कि हमारे पास बेड्स की उपलब्धता नहीं थी, ऑक्सीजन में क्राइसिस थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेटर हों, कुल मिला के 550 ऊपर हमारे ऑक्सीजन जनरेटर क्रियाशील हैं। पूरे प्रदेश में 30,000 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और जो पुरानी व्यवस्था थी ऑक्सीजन सिलेंडर वाली वो है ही है। सर, जैसा आपने कहा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, केसेस दूसरी लहर से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की और होम आइसोलेशन के रेशियो के बीच में, तो उसे किस तरह देख रहे हैं? हाँ, अभी केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन अभी प्रारंभिक स्टेज है। अभी कहना प्रीमेच्योर होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना होगा, इसीलिए हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं कि पूरी तरह सतर्कता बरतें, सावधान रहें और कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वेदव्रत जी, जिनका साफ कहना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक राहत भरी बात जरूर है, अगर वर्तमान स्थितियों को देखें तो दूसरी लहर के मुकाबले इस बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो केस हैं वो कम है। लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए कुछ खास नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, लेकिन इसलिए लोगों को सतर्क रहना होगा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना होगा, मास्क लगाएं अनिवार्य रूप से, हाथों को साफ रखें, इन बातों का भी ध्यान देना होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी पर अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो अपील तो पहले भी लगातार की जा चुकी है, लगातार कहा जाता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, लेकिन क्या जनता इसे समझ रही है? कोरोना की तीसरी लहर से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, संक्रमण तो बहुत तेज है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि 10 दिन पहले कुल सक्रिय मामले उत्तर प्रदेश में 300 कुछ थे और आज की अगर स्थिति है तो 8000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हो गए हैं, यानी 20 गुने से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है 10 दिनों के भीतर। और आप कोई भी बड़ा शहर उठा लीजिए, नोएडा उठा लीजिए, गाजियाबाद उठा लीजिए, लखनऊ देखिए, मेरठ देखिए, हर जगह 600 मामले मिले कल, वहाँ लखनऊ में 408 मामले मिले। तो लोगों ने इस कोरोना बिहेवियर को फॉलो नहीं किया, ना मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब लोग करते नहीं हैं, यही वजह है कि इतनी तेज़ी से ये संक्रमण इस बार फैल रहा है। और लगातार, हालांकि जांच कल भी 2 लाख के आसपास हुई थी और अब निर्देश भी दिए गए हैं कि 2 से 3 लाख के आसपास रोज जाँच की जाए, पर जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अभी भी आप देखिए चुनाव में तमाम सारे दल जुटे हुए हैं और जनसभाएं तो कर ही रहे हैं, मीटिंग कर ही रहे हैं, वहां पर लोग जाते ही हैं, वहां पर भी कोई फॉलो नहीं करता है इस कोविड प्रोटोकॉल को कि कोई मास्क लगाकर आपको दिख जाए, इसीलिए ये चिंता की बात है। और लगातार इलेक्शन कमीशन भी इस पर मंथन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने इस बार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है, बेड हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, इसके ऑक्सीजन प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं,
तो इन सारी चीज़ों की बात तो सरकार कह रही, पर आप ये सोचिए इस संक्रमण की जो रफ्तार है, 10 दिन में मामले 20 गुना बढ़ गए। यही स्थिति रही तो ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, और जब ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो उन्हें अस्पतालों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर तो बेड की संख्या लिमिटेड ही है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि लोग खुद भी सावधानी बरतें, सरकार अपनी तरफ से जो भी व्यवस्थाएँ करनी है वो कर रही, दावे उसके हैं, पर हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप घर से बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का भी इस्तेमाल करें। 10 दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं वो वाकई में चिंता वाली बात है, ना सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ये चिंता वाली बात है, और सभी को बहुत जरूरी है। नोएडा, लखनऊ सबसे आगे केसों में है, और इसलिए वहां के लोगों से दरखास्त भी हमारी है कि वो अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें, अपना तो ख्याल रखें साथ में अपनों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से कोविड के हालातों पर बात करने के लिए।